हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज विनय। वेलकम बैक टू माय चैनल क्विक टिपर्स विद अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम देखने वाले हैं अनबॉक्सिंग इस टीवी माउंट की, और इसके बाद हम देखेंगे कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है अपने वॉल पे। तो सबसे पहले जो बॉक्स के ऊपर डिटेल्स है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो माउंट है गाइज, इसकी MRP है 2,490 रुपीज, लेकिन ये मुझे अमेजोन से अराउंड 1,500 रुपीज में मिला। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोडक्ट को परचेस करने का लिंक आपको मिल जाएगा। और ये जो वॉल माउंट है ये सूटेबल है 32 इंच के टीवी से लेके 55 इंच के टीवी तक का। लोडिंग कैपेसिटी है इसकी 27.2 kg, एंड ये है इसका डायमेंशंस। एंड ये जैसे मैंने आपको बताया कि 32 इंच से लेके 55 इंच तक के टीवी के लिए ये कंपैटिबल है। इस साइड में बात करें तो सेम वही डिटेल्स हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको वारंटी के बारे में डिटेल्स मिल जाएगी, प्रोडक्ट रिव्यू अगर देना आपको तो वो भी मिल जाएगा। तो जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्स। वैसे मैंने इसको पहले ही अनबॉक्स कर दिया था क्योंकि मुझे जानना था इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है, तो वीडियो बनाने के लिए मैं इसको वापस अनबॉक्स कर रहा हूँ। यहाँ हमें कुछ पेपर वर्क जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। इनकेस अगर आपको जानना है कि इंस्टॉल कैसे करना है तो आप ये जो गाइड है इसको रिफ़र कर सकते हो। एंड उसके बाद इन्होंने सारे जो स्क्रूज है वो इन्होंने दे रखे ऑलरेडी, तो आपको बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बस एक ड्रिल मशीन होनी चाहिए। तो ये है गाइड्स टीवी माउंट जिसके बारे में बात कर रहा था। तो कुछ इस तरीके से दिखता है ये। वेट में काफ़ी हेवी है, अराउंड 2.5-3 kg का इसका वेट है। ये चाइना मेड, एक्चुअली मेड इन चाइना मैंने देखा था, और ये बना हुआ है नॉर्थ बायो कंपनी से। ये वाला जो साइड है वो दीवार पे लगेगा ऐसे, एंड इसके ऊपर आप टीवी जो है वो माउंट कर सकते हो। तो जल्दी से इसका इंस्टॉलेशन हम देख लेते हैं और उसके बाद हम मिलते हैं वीडियो में। तो मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ, ये वाला जो साइड है वो वॉल पे इस तरीके से लग जाएगा। क्रूज डालने के बाद आपको इसको पैक कर देना है। उसके बाद ये वाला जो साइड है ये लग जाएगा इसके ऊपर, और ये जो प्लेट आप देख रहे हो इसको हमें लगानी है टीवी पे। तो गाइज ये है टीवी जिसके ऊपर हमें वॉल माउंट जो है वो इंस्टॉल करना है। ये प्लेट जो है मैंने टीवी वॉल माउंट में से निकाली थी, आपने देखा, तो इसको हमें लगानी है कुछ इस तरीके से यहाँ पे। तो टीवी पे ऑलरेडी दो होल जो है वो इन्होंने दे रखे हैं, दो होल यहाँ पे है और दो होल जो है वो यहाँ पे है। तो ये जो प्लेट है गाइज वो ऐसे यहाँ पे एग्जैक्टली लग जाएगी। दो होल है गाइज, ये यहाँ पे मैच हो रहे हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। ये दो होल मैच नहीं हो रहे, लेकिन इसको हमें लगाने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज ये जो वॉल माउंट है काफ़ी बड़ा है, तो ये दोनों के सपोर्ट से वॉल माउंट जो है अच्छी तरीके से लग जाएगा। इनकेस अगर आपका टीवी बड़ा है तो उसके लिए आपको इस वाले प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइज इसमें डालने के लिए हम लेने वाले सबसे छोटा बोल्ट, या फिर ये स्क्रू आप इसे कह सकते हो, और ये है नट जो हमें टीवी के साथ ही मिल गया था। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग के हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। गाइज मेक श्योर कि आप वो सही से इंस्टॉल करो, बिकॉज ये जो नट है वो मैं इसलिए यूज़ कर, बिकॉज इसका जो छेद है ना वो इस स्क्रू से काफ़ी बड़ा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आर पार भी जा सकता है, इसलिए टू बी ऑन द सेफर साइड मैं ये जो नट है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ इस स्क्रू के साथ। तो गाइज फाइनली हमारी जो प्लेट है वो इस वाले टीवी पे लग चुकी है। अगेन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका 32 इंच का टीवी है तो आपको ये एक्स्ट्रा पट्टी जो है वो यहाँ पे आपको लगाने की ज़रूरत है नहीं। और अगर आपका टीवी 32 इंच से बड़ा है या फिर 45 इंचेस है, 55 इंचेस है, तो आपको वो पट्टी जो है वो लगाने की ज़रूरत है, सो दैट ये जो स्क्रूज है उस पट्टी के साथ मैच हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है पूरा टाइट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तब ये कैसे लगेगा। तो ये है टीवी का साइड, तो इसको जब आप ऐसे लगाओगे तो ये ऊपर होके यहाँ पे टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो स्क्रूज लगाने के बाद ये पूरा जो है टाइट हो जाएगा। और इसको निकालने के लिए बस इसको नीचे खींच के ऐसे बाहर निकालना है। टाइट करने के लिए इसको अंदर डाल के
ऊपर साइड ऐसे क्लिक कर देना है। तो गाइस अभी हम इस वाले टीवी माउंट को वॉल पे लगाने वाले हैं, तो ये कहाँ पे लगाना है आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ये पूरी दीवार है, ट्राई करूंगा कि मैं टीवी को जो है वो सेंटर में लगाऊं। और ये जो माउंट आप देख रहे हो, तो अगर आप इसका सेंटर पॉइंट देखो तो ये है इसका सेंटर पॉइंट। तो मेक श्योर ये जो है, ये जो स्क्वायर आप देख रहे हो ये सेंटर में है वॉल के, तो यहाँ पे है इसका सेंटर। नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली सेंटर में हो, लेकिन अगर सेंटर में होता है तो आपको व्यूइंग एंगल जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये अगर मैं इस तरीके से सेंटर में लूँ इसको, तो मुझे इस माउंट को यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रिल करना पड़ेगा। ड्रिल करने के लिए गाइज आपको 8 नंबर का मैसिनरी ड्रिल बिट जो है वो यूज़ करना है, बिकॉज़ ये जो 3 स्क्रूज हमें प्रोवाइड किए गए थे इसके ऊपर आपको दिख जाएगा कि इन्होंने 8 लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहो आप इस टीवी का एंगल जो है वो भी कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए काफी नीचे झुका हुआ है, तो मैं इसको यू टिल्ट करके इसको एडजस्ट कर लूंगा। एडजस्ट करने के लिए आपको ये जो दो नट है वो टाइट करने पड़ते हैं। एंड गाइज अगर आप चाहो आप टीवी को लेफ्ट या फिर ऐसे राइट में भी एडजस्ट कर सकते हो, तो आपके व्यूइंग के हिसाब से आप वो कर लेना, बिकॉज इंस्टॉलेशन करते टाइम हमें पता नहीं चलता कि लेफ्ट राइट वो सही है या नहीं। तो ये लेवलियर की मदद से मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली टीवी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतनी अच्छे से इंस्टॉलेशन आएगी, बिकॉज मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैंने बस ट्राई किया एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये दिख रहा है। तो आप देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से टीवी जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको इसका व्यूइंग एंगल जो है वो चेंज करके दिखाता हूँ कि ये कितने एंगल्स में चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसको आगे की तरफ ले सकते हो, तो ये और आगे जाएगा, तो ये इतना आगे तक आपको दिख जाएगा। अगर आपको साइड लेना है तो आप इस तरीके से इसको इस साइड पे ले सकते हो या फिर इस साइड पे भी ले सकते हो। अगर आप चाहो आप इसको ऐसे भी साइड पे ले सकते हो, तो ये कुछ इतना साइड में आपका हो जाएगा। सो गाइज दैट्स इट इन दिस वीडियो। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और वीडियो देखने में आपको अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन सी यू इन अनदर वीडियो गाइज, बाय।